4 जून 2023 को यूक्रेनी सेना ने रूस से अपने इलाकों को आजाद कराने के लिए जवाबी कार्रवाई शुरू की थी, जिसे काउंटर ऑफेंसिव का नाम दिया गया था। लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के कुछ गलत फैसलों की वजह से ये जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से फेल रही और यूक्रेनी सेना के कई दिग्गज कमांडरों ने इस जवाबी कार्रवाई को लेकर ज़ेलेंस्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यहां तक कि यूक्रेन के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी जालूंजी ने युद्ध के गतिरोध की स्थिति में पहुंचने का बयान तक दे दिया था। हालांकि ज़ेलेंस्की ने वालेरी के इस बयान को खारिज कर दिया था और यहीं से ज़ेलेंस्की और जनरल वालेरी के बीच झगड़ा और बढ़ता चला गया और इसके बाद से ही वालेरी की कुर्सी जाना तय मानी जा रही थी। लेकिन लंबे वक्त तक चले इस शह और मात के खेल में आखिर जिसका डर था वही हुआ, जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी जालूंजी को पद से हटा दिया है और ज़ेलेंस्की के इस फैसले से यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मचा हुआ है। वालेरी को हटाए जाने को लेकर यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरेव ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि रूस के विरुद्ध सेना का नेतृत्व करना सबसे कठिन कार्यों में से एक, लेकिन युद्ध एक जैसा नहीं रहता, युद्ध बदल रहा है और बदलाव की मांग करता है। 2022, 2023 और 2024 में युद्ध तीन अलग अलग वास्तविकताएं हैं। 2024 नए बदलाव लाएगा जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। नए दृष्टिकोण, नई रणनीतियों की आवश्यकता है। उमेरो ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि आज यूक्रेन के सशस्त्र बलों के नेतृत्व को बदलने की आवश्यकता पर निर्णय अपनाया गया। आपको बता दें कि यूक्रेन के प्रमुख कमांडर को हटाए जाने की खबरें जनवरी 2024 से ही मीडिया में उड़ने लगी थी, लेकिन जैसे ही ज़ेलेंस्की का यह फैसला मीडिया में लीक हुआ तो ज़ेलेंस्की ने कुछ वक्त के लिए इस फैसले को टाल दिया था। और हाल ही में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी खबर में कहा था कि ज़ेलेंस्की ने जनरल वालेरी को हटाए जाने की सूचना व्हाइट हाउस को दी थी और व्हाइट हाउस ने उनके इस फैसले को स्वीकार भी कर लिया था। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने इटली के RAI TG1 न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने देश के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव करने की बात कही थी और इसके बाद ही अब ज़ेलेंस्की ने कमांडर वालेरी जालूंजी को आखिरकार हटा ही दिया। और ज़ेलेंस्की के इस फैसले से पहले यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति प्योत्र पोरोशेंको ने यूक्रेनी संसद में कहा था कि अगर ज़ेलेंस्की को सफाई की जरूरत महसूस हो तो जालूंजी को अकेला छोड़ दें और अपने मंत्रिमंडल से शुरुआत करें। यहां पर आपको यह भी बता दें कि जालूंजी की अगुवाई में यूक्रेनी सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी जो जमीनी स्तर पर पूरी तरह से फेल हो गई थी और इस जवाबी कार्रवाई में पश्चिमी देशों के हजारों हथियार तबाह हो गए थे और इस जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के 1,00,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे।